हेलो हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्वीट ओवन ट्रीट्स। तो आज मेरे चैनल पे बनने जा रहा है 1 kg में ये 2-tier केक। तो इस वीडियो पे मैं आपको 1 kg में 2-tier केक कैसे बनाएं वो बताऊंगी, और आपको बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ, स्पॉन्ज के परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ, और कौन सा केक टीन आपको यूज़ करना है वो भी बताऊंगी। तो चलिए बनाते हैं इस केक को। तो मेरा ये केक 1 kg ऑर्डर था, 2-tier में बनाना था मुझे और चॉकलेट फ्लेवर में देना था। तो यहाँ पे मैंने जो मेरा जो मैंने बॉटम टियर यूज़ किया है वो मैंने 7 inch के केक टिन में बेक किया था, और जो मेरा टॉप टियर है वो मैंने 4 inch के केक टिन में बेक किया था। अब मैंने 7 और 4 inch का साइज़ क्यों लिया वो भी मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। तो ये मेरा ऊपर का टियर है जिसको मैंने 4 inch में बेक किया था, और मैंने मेज़रमेंट भी आपको ऊपर मेंशन कर दिया है कि स्पॉन्ज के लिए आपको कितना कप मैदा और कितना कप बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, मिल्क वगैरह लेना है, वो मैंने ऊपर मेंशन कर दिया है वीडियो में पहले ही। अब यहाँ पे मैंने नीचे की अपनी जो मेरा बॉटम टियर था उसके स्पॉन्ज को 3 layers कट कर लिया है। अब हम इसको शुगर वाटर से सोक करेंगे जिसमें मैंने गनाश भी ऐड कर दिया था, और यहाँ पे मैंने क्रीम अप्लाई की है जिसमें मैंने वेनिला एसेंस यूज़ किया है। तो जो फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उनको बता दूं कि ये सोकिंग क्यों किया जाता है स्पॉन्ज में। सोकिंग इसलिए किया जाता है ताकि हमारा स्पॉन्ज ड्राई ड्राई ना लगे जब हम इसको खाएं। तो अब यहाँ पे मैं गनाश यूज़ कर रही हूँ लेयर में। मैं जब भी चॉकलेट केक बनाती हूँ तो भर भर के गनाश यूज़ करती हूँ लेयरिंग में, और उसके साथ ही मैं चोको चिप्स भी यूज़ करती हूँ। तो अब यहाँ पे मैं अपने स्पॉन्ज की सेकंड लेयर रखूँगी और इसको भी मैं सोक कर लूँगी। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं इस लेयर रखने के बाद जो बीच में गैप दिख रहा है इसको क्रीम से पहले फिल कर देती हूँ, उसके बाद मैं सोकिंग प्रोसेस करती हूँ। उससे ये होता है ना कि आपका जो केक का शेप रहता है वो बराबर बना रहता है, वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। तो अब यहाँ पे भी मैं सेम वही क्रीम अप्लाई कर रही हूँ, और मैं हमेशा पाइपिंग बैग से ही क्रीम अप्लाई करती हूँ, आप लोग भी करिए। तो इससे क्या होता है कि आपकी लेयरिंग में एक बराबर क्रीम अप्लाई होती है, मतलब ऐसा नहीं होता है कि एक लेयर में ज़्यादा क्रीम लग गई है और दूसरे क्रीम लेयर में कम लगी है। वो पाइपिंग बैग से अगर आप अप्लाई करेंगे तो सारे लेयर्स में इक्वली क्रीम अप्लाई होगी। तो सेम वही प्रोसेस रहेगा, क्रीम रहेगा, गनाश रहेगा, चोको चिप्स रहेगा, और सारी चीज़ें भर भर के रहेंगी ताकि टेस्ट अच्छा आए। अब इसके बाद हम यहाँ पे जो हमारा बिल्कुल स्पॉन्ज का नीचे का जो हमारा लेयर होता है ना, हम उसको टॉप पे यूज़ करते हैं ताकि जब हम इसकी क्रम कोटिंग करके फाइनल फ्रॉस्टिंग करें तो केक एकदम इक्वल शेप में आए, उसका शेप ख़राब ना हो। जैसे कि ये देखिए, ये बिल्कुल फ्लैट बेस है इसलिए हम इसको ऊपर के साइड पर यूज़ करते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये क्रम कोट क्या होता है। जब भी मैं लेयरिंग करती हूँ ना केक की, तो साथ ही साथ मैं साइड साइड पे आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी वाइट वाइट क्रीम लगी है, मैं क्रम कोट भी करते जाती हूँ। तो इसको क्रम कोट बोलते हैं। क्रम कोट क्या होता है कि जब भी आप लेयरिंग करते जाइए तो पतली पतली क्रीम की एक लेयर पूरे केक पे लगाते जाइए, और फिर उसको थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रखिए, और उसके बाद उसके ऊपर फाइनल आइसिंग करिए। तो अभी मैंने नीचे के टियर को क्रम कोट करके सेट होने के लिए रख दिया है, और अब यहाँ पे मैं ऊपर के छोटे वाले टियर को बना रही हूँ। तो अभी देखिए, मैंने पहले अपना एक स्पॉन्ज रख लिया जो डोम शेप में आ गया था थोड़ा, उसको मैंने नीचे में यूज़ कर लिया है। और देखिए, क्रीम की लेयरिंग करने के साथ ही साथ मैं साइड साइड में भी क्रीम अप्लाई करते जा रही हूँ, इसी को क्रम कोट बोलते हैं। ये हमारी फाइनल फ्रॉस्टिंग नहीं है, ये क्रम कोट है।
क्रम कोट करने के बाद हमको फाइनल फ्रॉस्टिंग करते टाइम काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है और बहुत अच्छे से हो जाता है। तो इसमें भी सेम वही प्रोसेस रहेगा, क्रीम की लेयर रहेगी, गनाश रहेगा और चॉको चिप्स रहेगा और फिर हम स्पॉन्ज की लेयर रखते जाएंगे। तो ये मेरा जो केक था ये 1 kg का केक था और 2 tier में बनाना था। तो उनका जो जिन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था तो उनका कोई ऐसा उन्होंने एक डिज़ाइन शेयर किया, मतलब केक की फ़ोटो शेयर की थी जिसमें 2 tier का केक था वो, और उसमें फॉन्डेंट भी यूज़ हुआ था। तो मैंने उनको बता दिया कि अगर मैं फॉन्डेंट से यूनिकॉर्न बनाऊंगी तो ये 1 kg में नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे पेपर टॉपर यूज़ कर लिया था। और मैंने अपनी तरफ से थोड़ा सा स्पेसर वगैरह लगा के दे दिया था, उनकी कोई डिमांड नहीं थी। तो इसीलिए मैंने 7 inch का केक टिन नीचे का लिया और मेरा स्पेसर 6 inch का था, इसीलिए मैंने ऊपर का टॉपर जो है वो 4 inch का यूज़ किया। सॉरी, ऊपर का टॉप टियर जो ऊपर का जो केक था हमारा छोटा वाला, उसको मैं 4 inch के केक टिन में बेक की थी क्योंकि मेरा जो स्पेसर था वो 6 inch का था। तो अब ये देखिए मैं फाइनल फ्रॉस्टिंग कर रही हूँ। ये जो मेरा क्रम कोट है, क्रम कोट किया हुआ केक है, उसके ऊपर मैं पाइपिंग बैग से एक और कोट क्रीम की अप्लाई कर रही हूँ और इसी को मैं पैलेट नाइफ से पहले स्प्रेड कर दूंगी, उसके बाद मैं इस पर स्क्रैपर चलाऊंगी। ये देखिए इस तरीके से आपको पहले पैलेट नाइफ से स्प्रेड कर देना है थोड़ा सा ऐसे करके, उसके बाद आपको स्क्रैपर चलाना है। तो इससे ना आपको कम टाइम में जल्दी से काफ़ी अच्छे से स्मूद हो जाता है केक, ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगता है। इसकी फाइनल आइसिंग फाइनल फ्रॉस्टिंग सेम चीज़ है, इसकी स्मूदनिंग करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आप स्पेसर वाला केक नहीं बना रहे हैं, 1 kg में 2 tier बना रहे हैं, तो आप नीचे का जो आपका बॉटम टियर है वो 6 inch में भी बेक करके ऊपर का टॉप टियर 4 inch में बेक कर सकते हैं। अगर आप 6 inch में नहीं बेक करना चाह रहे तो 7 inch में भी बेक करके ऊपर का 5 inch के केक टिन में बेक कर सकते हैं। यहाँ तो मैंने 7 और 4 inch का इसलिए रखा था साइज़ केक टिन का साइज़, क्योंकि मेरा स्पेसर 6 inch का था। तो अब यहाँ पे मेरा जो टॉप टियर था वो टिफनी ब्लू कलर का था, जिसमें मैंने वाइट क्रीम में 3 ड्रॉप ब्लू और 1 ड्रॉप ग्रीन मिक्स किया था, तो मेरा ये टिफनी ब्लू कलर आ गया था। तो जब भी आप ध्यान दीजिए कि आप डार्क कलर जब भी केक पे यूज़ कर रहे हैं, और अगर आपके साइड का वेदर गर्म है तो आपको जल्दी जल्दी ये काम करना है, वरना क्रीम मेल्ट होने लगती है तो काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है आइसिंग करते टाइम। तो मैं यहाँ पे पेपिलॉन का जेल, फूड जेल कलर यूज़ करती हूँ, वो काफ़ी अच्छा होता है और उसका रेट भी काफ़ी रिजनेबल है, तो आप भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक मुझे कभी भी किसी कस्टमर से कंप्लेन नहीं आई कि आपका मतलब क्रीम थोड़ा बिटर टेस्ट कर रहा है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। तो पेपिलॉन के लिए मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरा टॉप टियर की भी स्मूदनिंग हो गई है अच्छे से। तो जो मुझे कस्टमर ने केक की फ़ोटो शेयर की थी ना, तो उसमें फॉन्डेंट से छोटे छोटे स्टार्स लगे हुए थे, तो मैंने जैसा बताया कि मैं यहाँ पे फॉन्डेंट नहीं यूज़ करना चाह रही थी, इसलिए मेरे पास रेनबो कलर के स्प्रिंकलर्स थे, तो मैंने वो स्प्रिंकलर्स यूज़ कर लिया था पूरे केक पे। और मुझे इस केक में ना 4 rows भी बनाने थे छोटे छोटे, जो मुझे केक बोर्ड पे नीचे प्लेस करना था, तो वो भी मैंने बना के उसको भी प्लेस कर दिया था। तो अभी ये केक मेरा ऊपर के साइड होने वाला है, इसलिए मैं इसके टॉप सरफेस पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, बिकॉज़ ये शार्प एजेस होना चाहिए और बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, तभी केक अच्छा लगेगा। तो
अभी हमारे दोनों केक की फाइनल फ्रॉस्टिंग हो गई है। अब मुझे ये केक बोर्ड पिंक कलर में करना था, इसलिए अब मैं पाइपिंग बैग में थोड़ी सी पिंक कलर डाल के, पिंक कलर की क्रीम डाल के बहुत छोटा सा मैंने टिप कट किया था और उसी से मैं पूरे बोर्ड पे पिंक कलर को लगा दी। अब मैं पैलेट नाइफ की हेल्प से इसको अच्छे से स्मूथ कर दूंगी, स्प्रेड करके उसकी भी अच्छे से आइसिंग कर दूंगी। और यहीं पे मुझे 4 रोज प्लेस करने थे। अगर आपको ज़्यादा क्रीम में कलर डाल के ज़्यादा कलर की मतलब जैसे अभी मुझे यहाँ पे ये पिंक कलर ज़्यादा नहीं चाहिए था, तो मैंने क्या किया, पाइपिंग बैग में ही थोड़ा सा पिंक कलर डाल दिया और थोड़ी सी वाइट क्रीम डाल के पाइपिंग बैग में ही मिक्स करके मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसको अप्लाई कर दी थी। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, आपको दूसरे किसी बर्तन में क्रीम वगैरह कलर वगैरह मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो फटाफट से हो जाता है। तो अभी यहाँ पे मेरे बोर्ड पे भी क्रीम अच्छे से लग गई थी, तो मुझे थोड़ा थोड़ा सा खाली खाली सा लग रहा था, तो और मेरी ये ग्रीन कलर की क्रीम बच भी गई थी, तो मैंने कहा इससे क्यों ना इस पे बॉर्डर बना दूँ, और वो काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। तो पहले मैं डायरेक्ट पाइपिंग बैग से ही बना रही थी, लेकिन उससे अच्छे से नहीं बना, तो मैंने यहाँ पर नोज़ल यूज़ कर लिया। नोज़ल भी सिंपल वाला था, जिससे कि ये डॉट डॉट वाला बॉर्डर अच्छे से बन जाता है। कोई भी मतलब नोज़ल पे कोई नंबर वगैरह नहीं लिखा था, वरना मैं आपके साथ शेयर कर देती। ये सिंपल नोज़ल था, जिससे कि ये वाला बॉर्डर ईजली बन रहा था। ये पहले मैंने पाइपिंग बैग से एक डॉट दिया जो काफ़ी बड़ा बन गया था और काफ़ी गंदा लग रहा था देखने में, तो मैंने उसको हटा दिया, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा तो ख़राब हो ही गया था। अब यहाँ पे मैंने रोज़ प्लेस कर दिया। रोज़ बनाने में तो इतनी हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि इतना गर्मी का टाइम था और अच्छे से रोज़ बन भी नहीं रहा था, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दिया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था। क्रीम मेल्ट हो रही थी, मैं फ्रिज में रख रही थी, जैसे ही क्रीम थोड़ी सी जम रही थी तो मैं रोज़ बना के प्लेस कर रही थी, ऐसी हालत हुई थी, तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। बट ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगर मुझे कोई ऐसा केक का ऑर्डर आता है जिसमें रोज़ बनाना है, तो मैं ज़रूर आपके साथ बना के उसको शेयर करूँगी। तो अब यहाँ पर मैंने ये स्प्रिंकलर्स यूज़ किया है, अब इसको मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ। और जब भी आप स्प्रिंकलर्स डालिए ना, तो ध्यान रखिए कि थोड़ा दूर से ही डालिए, नहीं तो आपका हाथ केक से टच हो सकता है। तो अभी यहाँ पे मेरा छोटा वाला केक 370 ग्राम का और बड़ा वाला केक 850 ग्राम का बनके रेडी हुआ था। तो ज़्यादा नहीं, 100-200 ग्राम एक्स्ट्रा हो भी जाता है तो चलता है। तो अब मैं यहाँ पे केक स्टैक करने जा रही हूँ। तो इससे पहले मैंने यहाँ पे बटर पेपर कट कर लिया था अपने स्पेसर के साइज़ का। पहले मैं उसको बड़े वाले बॉटम टीयर पे प्लेस कर दी, और उसके बाद अब ये स्पेसर को मैं प्लेस कर रही हूँ। इसके अंदर मैंने यूनिकॉर्न थीम का थोड़ा पेपर टॉपर वगैरह लगा दिया था, और फ्लावर्स वगैरह और लाइट्स वगैरह लगा दी थी, वो बैटरी वाली, और फिर मैंने इस तरीके से प्लेस कर दिया। अभी आप देख के समझ गए होंगे कि मैंने 7 और 4 इंच का केक टिन क्यों यूज़ किया था, ताकि मेरा केक 1 kg में देखने में 3 tier का लगे और प्रोपोर्शनल लगे। तो कैसा लगा केक वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी करिएगा। So please subscribe my channel and thank you for watching.